1 से 19 नवंबर तक खतरा। खालिस्तानी पन्नू ने फिर दी एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। उसने कहा है कि 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बनाया जाएगा। उसकी ये नई धमकी तब आई है जब खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कैनेडा के संबंध निम्न स्तर तक पहुँच गए हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को एक बार फिर एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी है। उसने अपनी धमकी में कहा है कि 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बनाया जा सकता है। पन्नू ने दावा किया कि यह हमला कथित सिख नरसंहार की 40वीं बरसी के मौके पर किया जाएगा। पन्नू प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ का संस्थापक है। उसके पास अमेरिका और कैनेडा की दोहरी नागरिकता भी है। उसने पिछले कुछ वर्षों में कई बार एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू के कारण बिगड़े भारत कैनेडा के संबंध। पन्नू की यह नई धमकी ऐसे समय में आई है जब भारत में कई एयरलाइनों को संभावित बम विस्फोटों के बारे में कई धमकी भरे कॉल मिले हैं जो सभी फर्जी निकले। ये ऐसे समय में भी हुआ है जब भारत और कनाडा के बीच एक कूटनीतिक विवाद चल रहा है। कनाडा ने भारत पर अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जिसमें एक अन्य आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है। पहले भी भारत को धमकियां देता रहा है पन्नू। नवंबर 2023 में पन्नू ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाएगा और 19 नवंबर को बंद रहेगा। लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान न भरने की चेतावनी दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन पर आपराधिक साजिश रचने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाए हैं। संसद पर हमले की दी थी धमकी। पिछले साल दिसंबर में पन्नू ने कथित तौर पर उन्हें मारने की साजिश नाकाम होने की रिपोर्ट के बाद 13 दिसंबर को या उससे पहले संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। 13 दिसंबर को 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की सालगिरह है। उसने इस साल गणतंत्र दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को मारने की भी धमकी दी थी। उसने गैंगस्टरों से एकजुट होकर 26 जनवरी को मान पर हमला करने का भी आग्रह किया। भारत में मोस्ट वांटेड है पन्नू। पन्नू को जुलाई 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा देशद्रोह और अलगाववाद के आरोपों में आतंकवादी घोषित किया गया है। वह सिख फॉर जस्टिस का नेतृत्व करता है, जो एक अलग संप्रभु सिख राज्य की वकालत करने वाला समूह है। इससे एक साल पहले भारत ने राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के लिए SFJ को गैर कानूनी संघ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था। Boycott Air India starting from 1st November to 19th November. Show solidarity with the Sikh genocide victims to destroy Modi's India economically. खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर पन्नू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 1984 सिख कत्लेआम का बदला लेने की बात कर रहा है। पन्नू ने वीडियो में साफ कहा है कि 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में सफर न करे, साथ ही एयर इंडिया का सभी लोग बॉयकॉट करे। पन्नू वीडियो के माध्यम से 1984 के दंगे को याद दिलवा रहा है, साथ ही सिखों को उकसाने का भी प्रयास कर रहा है। पन्नू ने कहा कि नवंबर में 1984 सिख कत्लेआम की 40वीं बरसी है। 13,000 से ज्यादा सिख और उनके बच्चों को मार दिया गया था। पूरी घटना भारतीय हुकूमत ने की थी। वीडियो में गौर करने पर पता चलता है कि पन्नू एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी चला रहा है जिसमें फ्लाइट में बम होने की बात कही जा रही है। बता दें कि पन्नू वही आतंकी है जिसकी हत्या की साजिश रचने के आरोप में हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले विकास यादव को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने मोस्ट वांटेड करार कर दिया है। FBI ने विकास को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताया है। विकास CDS क्रैक करने के बाद कमांडर के तौर पर CRPF में भर्ती हुआ था।